हेलो डी स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न वर्कशीट 16 प्रखर इंग्लिश वर्कबुक क्लास 8। कॉम्पिटेंसी के अभी आपको प्रीफिक्स और स्पिक्स का प्रयोग करना है अप्रोप्राइटली। प्रीफिक्स क्या होते हैं अभी? उपसर्ग। क्या होते हैं अभी? उपसर्ग। हिंदी में आपने पढ़े होंगे जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और स्पिक्स क्या होते हैं अभी? प्रत्यय। क्या होते हैं अभी? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ है बदल देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रेक्ट एंड राइट अगेन। एबल होता है समर्थ। एबल में इनएबल लगेगा, अनएबल लगेगा। क्या लगेगा अभी? अनएबल, असमर्थ। एग्री में क्या लगेगा अभी? डिसएग्री या अनएग्री? डिसएग्री। लाइक में क्या लगेगा अभी? डिसलाइक या इनलाइक? डिसलाइक। हैप्पी में क्या लगेगा अभी? इमहैप्पी या अनहैप्पी? अनहैप्पी, नाखुश। हैप्पी खुश। पॉसिबल, पॉसिबल क्या होता है अभी? संभव। इम्पॉसिबल, इम आएगा यहाँ पर, अन नहीं आएगा। प्ले, इम्प्ले या रिप्ले? रिप्ले। रिप्ले आपने देखा होगा, टीम खेल खेलते हैं क्रिकेट में, क्या होता है अभी? कोई विकेट पड़ता है, उसके बाद में रिप्ले किया जाता है, उसको दोबारा प्ले किया जाता है। ये देखो अभी कलर, कलर मान क्या होता है अभी? रंग होता है। ट्राई कलर या मिस कलर? इसमें आएगा ट्राई कलर। क्या अभी? ट्राई कलर। और देखिए अभी नाउन, अननाउन। अननाउन क्या होता है अभी? अज्ञात। नाउन ज्ञात। रेगुलर नियमित, इररेगुलर। यहाँ क्या है अभी? इर, अनियमित। लीगल इलीगल, इल लीगल, एनेटिक। तो देखो अभी आर है तो यहाँ पर आर का यूज हुआ है, एल है तो एल का यूज हुआ है साथ में। तो इस प्रकार के आपके प्रीफिक्स हैं। अब देखो अभी नेक्स्ट है, ऐड द स्पिक्स टू द वर्ड्स एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको नए शब्द बनाने हैं, आपको स्पिक्स जोड़ने, एल वाई, एफ यू एल, ई एन, एन ई डबल एस, इस, यू लेस। फ्रेंड आ गया अभी? फ्रेंडली। क्या है अभी? फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक। ये एडवर्ब बन गई एल वाई लगने पर, पहले ये नाउन थी फ्रेंड, और फ्रेंडली क्या होता अभी? एडवर्ब बन गई कि उसने मेरे साथ में मित्रवत व्यवहार किया। तो यहाँ पर क्या है अभी? फ्रेंडली आएगा। अब ब्यूटी क्या है अभी? नाउन है। तो क्या करोगे अभी? ब्यूटी से क्या बनेगा अभी? ब्यूटीफुल। यहाँ पर फुल जोड़ेंगे क्या करेंगे अभी? बी ई ए यू टी वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ब्यूटीफुल, सुंदर, इस प्रकार लिखा जाएगा। सॉफ्ट, सॉफ्ट माने होता है नरम, सॉफ्ट का सॉफ्ट लिया जाएगा नरमता से। याद रखना एस ओ एफ टी ई एन भी होता है सोफन, इसमें सोफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? सोफन। सोफन का क्या होता है अभी? नरम करना कोई चीज़ को। ई एन भी जुड़ सकता है, एल वाई भी जुड़ सकता है। नेक्स्ट है चाइल्ड। चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है परंतु यहाँ पर आर नहीं है, ई एन है, तो इसमें लगो चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है बचकना, मूर्ख भी कह सकते हो आप, जो बचकना हरकत करता है, नोटी एक प्रकार से। यहाँ पर अगला है फियर, फियरलेस, निर्भीक। यहाँ फियर फल भी जोड़ सकते हो आप, ड्रावना, दोनों ही इसमें लग सकते हैं। स्लो, स्लो का हो जाएगा स्लोली, धीरे धीरे, ये एडवर्ब बन गई। अधिकतर नाउन और एडजेक्टिव के अंत में एलवाई लगने से क्या बनता है अभी? एडवर्ब बनती है। डार्क, डार्कनेस, अंधेरा। एक्ट, एक्टिव, यू जुड़ेगा इसमें। ग्रेट, ग्रेटफुल, और ग्रेटनेस भी कर सकते हैं इसमें। वैसे तो ग्रेटफुल, ये जो ग्रेटफुल होता है ना,
ये ज्यादा मान्य वर्ड होता है ग्रेटफुल, कृतघ्न। यहां पर क्या है, ग्रेट के साथ में आप ग्रेटनेस जोड़ो। ये जो ग्रेटफुल है इनमें डिफरेंस होता है, ये मान्य वर्ड है, इसका मतलब होता है कृतघ्न। ये मान्य वर्ड नहीं है, ऐसा इंग्लिश में डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है। यहाँ ग्रेटनेस जोड़ो। होम का क्या होगा भी, होमलेस। यहाँ पर क्या जोड़ोगे भी, लेस यूज करोगे होम के आगे। थैंक्स।